बन गए मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी विष्णु स्वरूप। पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के मुन्ना आज बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं। वैसे अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 37वें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आ रहे हैं। उनकी सत्ता वापस आई है, जिसे पोस्टरों पर 24 कैरेट का गोल्ड तक कहा जाता है। इनके मंत्रिमंडल में भाजपा समेत वीआईपी और हम, ये सभी शामिल होने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिवाली तक इनकी ताजपोशी भी हो जाएगी। नीतीश 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इनका कार्यकाल कुछ इस प्रकार रहा। 3 मार्च 2000, 24 मार्च 2005, 26 नवम्बर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, जिसमें ये छठी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए। अलग अलग कार्यभारों को देखें तो कुल 14 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। कुछ उपलब्धियां भी रही तो कुछ पर उन्हें बैकफुट पर भी जाना पड़ा और विवादों में भी वो घिरते रहे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला से नीतीश कुमार के छवि को दागदार करने की कोशिश भी हुई। अभी यह जांच के दायरे में है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में यह घोषणा करते रहे कि सीटें कम हो या ज्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जदयू इस बार जहां सीटों का नुकसान हुआ, वहीं महिलाओं के मतों का सीधा फायदा भी हुआ, जिसका श्रेय शराबबंदी को जाता है। नीतीश के शासनकाल में कुछ मुख्य बातें रही जो सीधे सीधे जनता के रहन सहन और जीविका से जुड़ा है। मसलन बिहार में कम शहरीकरण का दर सुशासन और संतुलित विकास को दर्शाता है। बिहार के लोगों का मासिक व्यय ग्रामीण इलाकों में 2005 में जहां 417 मात्र था, वही यह वर्तमान में 1127 रुपया हो गया। इस तरह 710 रुपये की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय GSDP 2005 में जहां 8773 रुपये था, वह बढ़कर 2019 में 47541 हो गया, अर्थात 38768 रुपये की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ऐसा नहीं था, सब कुछ चकाचक था। कुछ चुनौतियां सामने खड़ी थी, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य भी एक बड़ी प्राथमिकता है। कोरोना के संकट ने स्वास्थ्य महकमे के इलाज के लिए जहां संकेत दे दिए हैं, और वे बेपटरी हुई शिक्षा और बेरोजगारी को फिर से दुरुस्त करना मुन्ना यानी मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है।